उनका वंशज होने से पहले मैं हिंदू हूं, मैं बनिया नहीं हूं साहब, मैं हिंदू हूं। पहले अपने घर को साफ करूंगा, फिर बाहर की बात करूंगा। यह मेरा गर्व है कि मैं हिंदू हूं, यह मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, और उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हरियाणा की धरती पे खड़ा होकर गा सकता हूं। मुझे मेरे समाज ने अगर रतन से सम्मानित किया हुआ है, लेकिन मैंने उनसे भी कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे अगर रतन मिला है, लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी जब मुझे हिंदू रतन मिलेगा साहब, क्योंकि ये जातियां खा गई हमें साहब, जातियां खा गई। कड़वी बात है, ये मुसलमान लोग क्यों हिंदुओं की बेटियों को बहला फुसला रहे हैं, क्योंकि हमें जातियां ही खा गई। शर्मा वर्मा को नहीं देगा, बनिया अरोड़े को नहीं देगा, और मुसलमान लेकर जा रहे हैं साहब, ये जातियां खा गई हमें। कहीं ना कहीं है, अपने समाज के लिए सबको काम करना चाहिए, लेकिन अपने धर्म के लिए कौन करेगा, ये तो हम भूल ही जाते हैं साहब। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे साहब। मैं गाने को गा सकता हूं, मेरे अगर सेन जी महाराज मेरे दादा हैं, मेरी जान मस्ती है उनमें, लेकिन अगर मैं एक भजन अगर सेन जी का गाऊंगा तो मुझे 35 बिरादरी का भी भजन यहां गाना पड़ेगा, क्योंकि यह मंच किसी जाति विशेष का नहीं, यह मंच हिंदू धर्म का है। बस मैं क्षमा चाहूंगा मेरी बात अगर, क्योंकि मेरे कर्तव्य बड़े हैं, हां मेरे कर्तव्य बड़े हैं, लेकिन आएगा समय बहुत जल्दी जब अग्रोहा में भी विश्व का सबसे बड़ा धाम बनेगा, दुनिया आएगी वहां भी, हम उसका भी बीड़ा उठाएंगे। नहीं क्षमा नहीं, क्षमा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आपके आपके जज्बात है साहब, मुझे यहां वाल्मीकि का बच्चा भी खड़ा होकर कहेगा कि मेरे भगवान वाल्मीकि जी के लिए गा दो, मैं उनके लिए भी गा दूंगा साहब, उनके समाज में जाके। मैं किसी समाज का नहीं हूं, मैं हिंदू धर्म का हूं साहब, मैं समाज का नहीं। समाज की चादर ओढ़नी मुझे नहीं आती साहब। हाँ कभी जरूरत पड़ती है अपने समाज को भी कहने की, तो उनको भी यही कहता हूं कि अगर सेन जी महाराज की जयंती आती है हम क्या करते हैं, हम बनिए आपस का ही पैसा इकट्ठा करके आपस में ही शाम को एक कार्यक्रम करते हैं और एक दूसरे को ही सम्मानित कर देते हैं। मजा तो तब आए जो अगर सेन जी महाराज समाजवाद की बात करते थे कि बनियों का कार्यक्रम हो और किसी ब्राह्मण की बेटी को सम्मानित किया जाए, किसी वाल्मीकि के बच्चे को सम्मानित किया जाए, किसी चमार के बच्चे को सम्मानित किया जाए, तब जाके पता लगे कि अगर सेन समाज भी कुछ करता है। मैंने लिखा भी, मैं ही बनिया मैं ही ब्राह्मण, मैं ही वाल्मीकि, मैं ही चमार हूं, मैं ही बनिया, मैं ही ब्राह्मण, मैं ही वाल्मीकि, मैं ही चमार हूं, दिखने में एक हूं मगर जातियों के कारण चार हूं। इसलिए इसको खत्म करें, हम आने वाली पीढ़ी को यह समझाएं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है अंग्रेजी, लेकिन हमें क्रिश्चियन नहीं बनना, क्योंकि सांता क्लॉज का भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बजरंगबली गारंटीड है, यहीं बैठे हैं, कहीं गए नहीं, कहीं गए नहीं।
एक बार जोर से कह दो जय श्री राम। गुरुजी मैं अभी अफ्रीका गया युगांडा, तो वहां के प्रधानमंत्री ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो मैं सावन का महीना था, भोलेनाथ ले गया। अब वो अंग्रेजी बोलते थे, क्रिश्चियन थे, तो पीएम बोली हु इज ही, मेरे हाथ में भोलेनाथ थे तो उनके पीछे उनके भगवान लगे हुए थे, उन्हें फादर बोलते हैं वो। मैं बोला मैम ही इज फादर, ही कॉल हिम फादर, यू कॉल हिम फादर, वी कॉल हिम ग्रैंडफादर। अपने धर्म के झंडे को नीचे मत होने देना। जिस दिन ये नीचा हो गया ना, 7,000 साल पहले राजा राम हुए, 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण हुए। एक भी कंट्री हिंदू राष्ट्र नहीं है विश्व में, लेकिन ये 2024 के क्रिश्चियनों की कितनी कंट्रियां हैं? 1600 साल पहले आए मुसलमानों की कितनी कंट्री है? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? उसका कारण एक ही है कि भारत जैसी धरती दुनिया में है ही नहीं साहब, ऐसी धरती नहीं है पूरी दुनिया में, इसलिए दूसरा भारत कहीं हो नहीं सकता। अपने देश पे, अपने धर्म पे, अपने समाज पे, अपनी गली में, अपनी बहन बेटियों पे, अपने भाइयों पे, सब पे गर्व किया करो, तब जिंदगी का मजा कुछ और होगा। 2 रुपए कमाने बड़े आसान है, दुनिया कमा लेती है, लेकिन कमाने का आनंद आता है जब आप किसी गली से निकलो और सामने वाला आपको जय श्री श्याम कह दे। आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं होता साहब। धन्यवाद। देखो ये आप रखिए, किसको दे दूं? बाबा को दे दूं? बाबा ले भाई, 100-100 बांट लीजिए, 5 है। पंचमुखी है ना, आनंद लीजिए, ये आनंद का समय, मुस्कुराइए। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले चौधरी वास के मोड़ पे। लेने आएगा कि नहीं आएगा? आ जाओ जरा। देखो 500 भी तुम्ही ने चढ़ाए, अब भजन भी तुम ही सुनना चाहते हो, तो बाकी क्या लेने आए? अड़े 3-4 माला और दे दो इसको, तय डाल के बैठ जा। रुक जा भाई, चालन दे गाड़ी जी, यहां चल रही है। एक बात बता, जब तू मेरी बस में लोड नहीं हो सकता तो मैं तेरी बस में क्यों लोड हूं? जानते जहां गाड़ी जा रही है। ओ तेरे नाम के दीवाने, तेरे दर पे आ गए हैं, तेरे नाम के दीवाने, तेरे दर पे आ गए हैं। अरे एक बार शोर मचा के बताओ, थके तो नहीं ना? ताली बजा के जरा जोरदार, एक दो तीन चार।
दग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 द